हेलो स्टूडेंट्स, स्टेट लाइंस वीडियो नंबर 28, मिसलेनियस फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स वीडियो नंबर 3, आप सभी का स्वागत। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोकस ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग टू स्क्यू लाइंस एंड अ कर्व। इसके पिछले वीडियो में आप पढ़े थे लोकस ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग थ्री स्क्यू लाइंस, माने इंटरसेक्टिंग टू स्क्यू लाइंस एंड ऑल्सो ए लाइन। तो इसमें लाइंस दो तो हैं, लेकिन एक तीसरी लाइन की जगह पे एक कर्व आ गया है। कंसेप्ट सारा वही है, प्रोसेस बिल्कुल वही है। एग्जाम्पल के क्रम को आइए आगे बढ़ाएं। एग्जाम्पल नंबर 4, प्रूव दैट द लोकस ऑफ अ वेरिएबल लाइन, प्रूव दैट द लोकस ऑफ अ वेरिएबल लाइन विच मीट्स टू स्क्यू लाइन्स, विच मीट्स माने विच इंटरसेक्ट्स, विच मीट्स टू स्क्यू लाइन्स वाई इक्वल टू एम एक्स, जेड इक्वल टू सी, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स, जेड इक्वल टू माइनस सी एंड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज द सर्फेस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एम जेड एक्स माइनस सी वाई होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एम सी एक्स माइनस वाई जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। y इक्वल टू एम एक्स, जेड इक्वल टू सी, ये पहली लाइन है। y इक्वल टू माइनस एम एक्स, जेड इक्वल टू माइनस सी, ये दूसरी लाइन है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये सर्किल है। दीज आर स्क्यू लाइन्स, आप जानते ही हैं, पहचानते ही हैं। प्लेन थ्रू फर्स्ट लाइन इज, y माइनस एम एक्स प्लस लेमडा जेड माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। एंड प्लेन थ्रू सेकेंड लाइन इज y प्लस एम एक्स प्लस म्यू z प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो ये दोनों प्लेन्स मिलकर के जिस कॉमन लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, वही कॉमन लाइन ऐसी लाइन है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है। देयरफॉर y माइनस एम एक्स प्लस लेमडा z माइनस सी इक्वल्स टू जीरो कामा y प्लस एम एक्स प्लस म्यू z प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, नंबरिंग कर दें 4, इज लाइन इंटरसेक्टिंग द लाइंस, इंटरसेक्टिंग द लाइंस लिखो चाहे मीटिंग द लाइंस लिखो, इंटरसेक्टिंग द लाइंस 1 एंड 2, फुल स्टॉप। क्वेश्चन को पढ़िए, भाव समझिए। फर्स्ट और सेकंड लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली वो लाइन चाहिए जो इस सर्किल को भी इंटरसेक्ट करे।
फर्स्ट और सेकंड लाइंस से मीट करने वाली वो लाइन चाहिए जो इससे भी मीट करे। ये वो लाइन है जो फर्स्ट और सेकंड लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो हमें इसी का लोकस चाहिए बशर्ते कि ये इसको भी मीट करे। ठीक, तो अगर ये इसको मीट करेगा तो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा। सर्किल के इक्वेशन लिखने में थोड़ी चूक हो गई हमसे, क्योंकि हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सर्किल नहीं होगा। इसके बगल में हम लिख रहे हैं जेड इक्वल टू जीरो, अब जाकर के सर्किल हुआ। तो जरा भैया इसको सुधार लो। तो ये लाइन इस सर्किल से जब मिलेगी तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर होगा और जेड बराबर जीरो होगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ही नहीं है, जेड है, तो जेड की जगह जीरो चलो रख दें। इफ दिस लाइन मीट्स द सर्किल थ्री, देन ऑन पुटिंग z इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन फोर वी हैव। कंसेप्ट देखो वही है, बस कैलकुलेशन में एनालिसिस में कुछ पेच हो सकता है इसमें आ गया। जेड की जगह फिलहाल जीरो रखिए, वाई माइनस एम एक्स प्लस लेमडा ब्रैकेट में जीरो माइनस सी इक्वल्स टू जीरो कामा वाई प्लस एम एक्स प्लस म्यू ब्रैकेट में जीरो प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। पहले वाले से अच्छा वाई और एक्स दोनों भी मौजूद हैं, इंप्लाइज दैट y माइनस एम एक्स इक्वल्स टू लेमडा सी, वाई प्लस एम एक्स इक्वल्स टू म्यू सी। और भी इसमें एक चीज रखना, इसको छोड़िए मत, इसको ढोते चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां भी लिखिए, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सॉरी, इसी को सॉल्व किया जाए, है ना। अलग से कर ले क्या, जरा देखो तो, इसको इसको जब हम ऐड करेंगे तो mx mx कट जाएगा, ये 2y बराबर आ जाएगा c इंटू लेमडा प्लस म्यू। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2mx बराबर आ जाएगा c इंटू म्यू माइनस लेमडा। इस तरीके से हमको x और y मिल जाएगा, है ना। चलो देखो, implies that इसको इसको पहले ऐड किया, 2y is equal to c into mu plus lambda,
फिर दिस माइनस दिस 2mx इक्वल्स टू सी इंटू म्यू माइनस लेमडा, और इसे ढोते चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू सी इंटू म्यू प्लस लेमडा अपॉन टू एंड x इक्वल टू सी इंटू म्यू माइनस लेमडा अपॉन टू एम और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब x और y को इसमें रख दें इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माने सी स्क्वायर म्यू माइनस लेमडा होल स्क्वायर अपॉन फोर एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माने सी स्क्वायर म्यू प्लस लेमडा होल स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इस तरह से लेमडा और म्यू में एक रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर ले गए। कुछ दिक्कत हो रही है, यहां पर गड़बड़ी हो गई। ये आएगा माइनस म्यू सी, तो अब उस हिसाब से जब इसको आप ऐड करोगे तो 2i बराबर आएगा c इंटू लेमडा माइनस म्यू एंड दिस। अब दिस माइनस दिस करो नो दिस माइनस दिस तो 2mx बराबर c इंटू माइनस म्यू माइनस लेमडा, यानी कि y इक्वल टू c इंटू लेमडा माइनस म्यू अपॉन टू और x इक्वल टू माइनस c माइनस बाहर ले लिए म्यू प्लस लेमडा अपॉन टू एम। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर म्यू प्लस लेमडा होल स्क्वायर अपॉन फोर एम स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया c स्क्वायर लेमडा माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ठीक है, फोर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर इंटू म्यू प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू लेमडा माइनस म्यू होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर एम स्क्वायर। नंबरिंग कहां तक पहुंचा है भाई, फोर तक, तो इसे करिए फाइव। कंसेप्ट वही जो पिछले वीडियोज में था, वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ दिस लाइन अंडर द कंडीशन दैट दिस लाइन मीट्स द सर्किल, यानी अंडर द कंडीशन फाइव। वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ the line 4 under the condition 5। तो इसी कंडीशन को इसमें समाहित कर दो, तो 4 से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालिए और ला करके यहां रखिए, यही करना है। From 4, lambda equals to mx minus y upon z minus c and mu equals to minus mx minus y upon z plus c। तो इस डायरेक्ट वैल्यू ना रखें, mu plus lambda और lambda minus mu निकाल के तब रखें। इंप्लाइज दैट लेमडा प्लस म्यू बराबर कितना होगा, इसको इसको जोड़ना है तो एलसीएम आएगा जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा ऊपर एम एक्स माइनस वाई इंटू जेड प्लस सी प्लस
प्लस क्या इसमें माइनस कॉमन ले लो तो माइनस एम एक्स प्लस वाई इंटू जेड माइनस सी, सिंप्लीफाई करें इक्वल्स टू एम जेड एक्स प्लस एम सी एक्स माइनस वाई जेड माइनस सी वाई माइनस एम जेड एक्स प्लस एम सी एक्स माइनस वाई जेड प्लस सी वाई अपॉन वही जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एम जेड एक्स तो कैंसिल हो गया, दिख रहा साफ साफ, सी वाई भी देखो कैंसिल हो गया, ये भी दिख गया। और कुछ कटना है? नहीं नहीं, तो कितना बचा एम सी एक्स प्लस एम सी एक्स टू एम सी एक्स और माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस टू वाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी प्रकार से लेमडा माइनस म्यू निकालिए एंड लेमडा माइनस म्यू इक्वल्स टू फिर वही एलसीएम तो वही आएगा जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दिस माइनस दिस निकाल रहे हो आप, ध्यान रखना, तो दिस माइनस दिस करोगे तो ये माइनस बैलेंस हो जाएगा। ये हो गया एम एक्स माइनस वाई इंटू जेड प्लस सी माइनस म्यू, ये माइनस प्लस हो गया एम एक्स प्लस वाई इंटू जेड माइनस सी और फिर वही मरम्मत करिए जरा इक्वल्स टू एम जेड एक्स प्लस एम जेड एक्स टू एम जेड एक्स प्लस एम सी एक्स माइनस एम सी एक्स कैंसिल हो गया, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में निपट लिए, माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड कैंसिल हो गया, माइनस वाई सी माइनस वाई सी माइनस टू सी वाई हो गया अपॉन जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो लेमडा माइनस म्यू की वैल्यू आ गई टू एम जेड एक्स माइनस टू सी वाई अपॉन जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। पुटिंग दीज इन फाइव, कैलकुलेशन थोड़ा इसका हेवी पड़ गया पिछले दो एग्जाम्पल्स के तुलना में। इसके बाद यहां पुटिंग दीज इन फाइल वी गेट सी स्क्वायर इंटू लेमडा प्लस म्यू होल स्क्वायर, लेमडा प्लस म्यू होल स्क्वायर टू हटा लें तो हो जाएगा फोर और फिर ब्रैकेट बच गया एम सी एक्स माइनस वाई जेड होल स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर लेमडा माइनस म्यू होल स्क्वायर, फिर टू बाहर कर लें तो यहाँ हो जाएगा फोर और बगल में एम जेड एक्स माइनस सी वाई एम जेड एक्स माइनस सी वाई होल स्क्वायर अपॉन वही जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए स्क्वायर एम स्क्वायर। मैं समझता हूँ यही आंसर है, क्वेश्चन में आपको बताया गया कि इतना ले आओ, वही देख लो उसी जैसे इसको सजा दो। फोर फोर पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, उसके बाद जो बच गया यही आंसर लाना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इम्प्लाइज दैट
सी स्क्वायर, मैं देख के लिख रहा हूँ क्वेश्चन से, सी स्क्वायर इंटू एम सी एक्स माइनस वाई जेड होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एम जेड एक्स माइनस सी वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड लोकस, विच इज द रिक्वायर्ड लोकस। बहुत छोटा सोल्यूशन वाला कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, नहीं तो एक छोटा सा करा देते, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे रुकना पड़ेगा। वीडियो साइज काफ़ी छोटी है, 20-21 मिनट की है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, इसको हमने जो है तीन पोर्शन में बांट दिया। पहले मैं कह रहा था कि दो पोर्शन में ब्रेक कर दिया, लेकिन मैंने तीसरा पोर्शन ही बना दिया, मिसलेनियस फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। इसमें कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स विथ एग्जाम्पल्स आपके सामने हम रख रहे हैं, जो कि प्रायः ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में कम आते हैं, कंपटीशंस में आ सकते हैं, हायर कंपटीशंस में। तो पहले पोर्शन में क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। दूसरे पोर्शन में इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। और तीसरे पोर्शन में मिसलेनियस फैक्ट्स। थैंक यू।